तो ये है हमारा विंगर, जिसमें यू नो ट्रैवलर टाइप, जिसमें बहुत सारे लोग बैठ के जाते हैं। आप लोग अगर कॉर्पोरेट मीटिंग्स में जाओगे या फिर कहीं स्कूल की छुट्टियों पे जाओगे या फिर मे बी काफ़ी लोगों की स्कूल बस होती है ये। तो बेसिकली इसमें 9 सीट्स हैं प्लस 1 ड्राइवर सीट एंड 2.2 लीटर इसमें भी इंजन है। नाउ दिस इज़ अ मल्टीपर्पज़ व्हीकल, तो इसमें जो इंजन है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो CNG पे भी आएगा और वो डिजर्व भी करता है। हालांकि ये भी लॉक्ड है तो मैं अंदर नहीं जा सकता, बट आई रियली लाइक दीज। ये जो अलॉय रिम्स इसमें दिए हैं टाटा मोटर्स ने, ये बहुत अच्छे हैं। आई थिंक कि ये इस तरह के व्हीकल्स में आने चाहिए। एंड नाउ लेट मी शो यू द ड्राइवर साइड। तो यहाँ पे भी सेम ही फिलॉसफी चल रही है, सेम आपका मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आपको देखो कितना बड़ा डैशबोर्ड मिल रहा है जहाँ पे आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह सब कुछ है, एयर वेंट्स है, यू हैव योर स्पीड्स एंड एवरीथिंग, एंड यू ऑल्सो हैव कि 3 बंदे आगे बैठ सकते हैं ड्राइवर के साथ, 2 बंदे एक्स्ट्रा। वहाँ पे गियर शिफ्टर है आपका। एंड इफ़ यू मूव टू द बैक, यहाँ पे देखो आपको काफ़ी अच्छी कैप्टन सीट्स टाइप सेटअप दे रखा है, सो यू कैन सिट कंफर्टेबली। ये बड़ा वाला है जिसमें बड़े मतलब महंगी महंगी सीट्स लगी हुई हैं। इसके अलावा छोटे वाले भी आते हैं जिसमें ज़्यादा सीट्स होती हैं लेकिन स्पेस इतना ही रहता है, तो वो फैमिली वगैरह के पर्पज़ के लिए आता है। और इन सभी सीट्स के पीछे देखिए आपको डिस्प्ले भी मिल रहा है जहाँ पे आप देख सकते हो अपनी एंटरटेनमेंट करते हुए आप लोग ट्रैवल कर सकते हो। एंड एट द बैक यू हैव 3 सीट्स, तो 3 लोग आराम से पीछे बैठ सकते हैं। सो स्पेस को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ किया हुआ है फॉर सस्टेनेबिलिटी। एंड अगेन जैसा कि मैंने बताया कि देयर इज़ अ सर्टेन चांस कि इसमें भी CNG आ सकता है। एंड एक चीज़ तो मैं करते हुए भूल ही गया कि आप लोगों को इसका फ्रंट दिखाऊं। सो दिस इज़ हाउ द फ्रंट ऑफ द विंगर लुक्स। तो ये बड़ा सा यहाँ पे आपको टाटा मोटर्स की ग्रिल दे रखी है, लोगो लगा हुआ है, बिकॉज इट इज़ नॉट इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पे सारा का सारा जो है एयर फ्लो के लिए आपको ग्रिल जो शट नहीं किया गया है। छोटी सी स्पेस है लेकिन इंजन वहाँ तक स्ट्रेच किया जाता है। देन यहाँ पे भी वही हैरियर और सफारी वाली फिलॉसफी को फॉलो करते हुए एक सिंगल DRL, और ये आपका हेडलैम्प हो गया, यहाँ पे फॉग लैम्प भी दे रखा है। सो ओवरऑल जो प्रेजेंस है फ्रंट से इस गाड़ी की बहुत बहुत ज़्यादा माचो है। एंड लास्टली गाइस दिस, तो ये आपने दिल्ली में देखा होगा, ग्रामीण सेवा वाले यूज़ करते हैं जगह जगह पे, और जगहों पे भी यूज़ करते हैं, तो वो नॉर्मली CNG होता है या फिर डीजल होता है। बट यहाँ पे 19.9 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ इसको भी EV बना दिया है। तो बेसिकली ये वही छोटा हाथी है जो कि EV में आया है, एंड इसमें भी वही सारी फंक्शनैलिटी डाल दी गई है। नाउ लेट मी शो यू दिस, दिस इज़ बेसिकली द छोटा हाथी वर्जन जिसमें लोगों को लेके जाएगा, कार्गो नहीं होगी, लोग होंगे, लोग ही कार्गो होंगे। तो यहाँ पे टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दे दिया है, विच इज़ अ नाइस थिंग, क्योंकि अब एक नॉर्मल बंदा मतलब स्कूल वगैरह जाने के लिए तो आप इसको यूज़ कर ही सकते हो अपने स्टूडेंट्स को स्कूल वगैरह ले जाने के लिए, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल हाउस होल्ड के लिए भी लेना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे चीज़ें दे दी गई है। तो यू हैव योर ड्राइव सिलेक्टर, गियर सिलेक्टर हेयर, तो बिकॉज ये इलेक्ट्रिक है तो इसलिए मैं इसको ड्राइव सिलेक्टर बोल रहा हूँ। तो रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड स्पोर्ट्स, यहाँ पे आपको USB पोर्ट भी दे रखा है फॉर योर चार्जिंग पर्पसेस। एंड ये आपका छोटा सा क्यूट सा वो हो गया MID जिसको बोलते हैं, स्पीडो, टैको, आप कितनी बैटरी आपकी बची है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई जाएगी। चाबी नहीं है तो मैं आपको ऑन करके नहीं दिखा सकता। ये आपका छोटा सा ग्लव बॉक्स हो गया। बाकी मैंने इसकी प्रॉपर डिटेल वीडियो करी हुई है, यू गाइस कैन वॉच इट एनी टाइम, जस्ट जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, है ना, वैसे भी सर्च करोगे यूट्यूब पे मिल जाएगा। सब्सक्राइब करो चैनल को भाई साहब, इतने सारे वीडियोज़ हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम सब्सक्राइब तो बनता है, जस्ट मेक अस गो 1 मिलियन। और इन द मीन टाइम मैं आपको इसका बैक सीट दिखाता हूँ। होपफुली आप लोगों ने सब्सक्राइब बटन दबा दिया होगा, यहाँ पे लाइट नहीं है सो माइंड द एक्सपोजर। ओके, तो यहाँ पे 10 लोगों की जगह है और एक 11वां आपका ड्राइवर, तो बेसिकली 10 लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। एंड यू कैन सी द सीट प्लेसमेंट, तो यहाँ ये पीछे पुराना जैसे इको वैन में आता है और पहले ओमनी वगैरह में आता था, तो यहाँ पे पीछे लोग बैठेंगे। स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि पॉल्यूशन बहुत कम क्रिएट होगा और स्कूल भी आराम से बच्चे जा सकेंगे और कंफर्टेबल भी होगा बिकॉज इट इज़ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो आवाज़ वगैरह नहीं होगी। एंड यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, तो बेसिकली जो स्कूल वाला रोमांस होता है यू गाइस कैन डू दैट। और यहाँ पीछे भी जाने की जगह है और एक्चुअली पैसेंजर कार से ज़्यादा कंफर्टेबल है ये, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे यू हैव मोर देन इनफ स्पेस टू मूव अराउंड। तो बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, एंड नॉर्मल बंदे के लिए, जब मेरे जैसे बंदे के लिए कंफर्टेबल है गिवन द हेड रूम एंड स्पेस एंड एवरीथिंग, तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। एंड एक बार इसकी बूट भी चेक कर लेते हैं, और ऐसे आपकी बूट खुल जाएगी, आप यहाँ से बूट एक्सेस कर सकते हो। आई थिंक यहाँ पे ये स्पेस है आपके स्पेयर टायर के लिए, तो बेसिकली बूट में आप कुछ ज़्यादा रख नहीं पाओगे, यहाँ पे बस लोगों के बैठने की जगह है,
बट हाँ आई डोंट माइंड इट बिकॉज इसमें मोर देन इनफ स्पेस है लोगों के बैठने के लिए, 10 लोग कम नहीं होते भाई। ओके सो अभी मेरे साथ हैं विंगर और मैजिक और जितनी भी यहाँ पे गाड़ियाँ आप लोग देख रहे हो उन सब के जिस जिन लोगों ने उसके पीछे काम किया है, द शार्पेस्ट माइंड्स। अभिषेक टंडन सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, इतना बढ़िया इवेंट आप लोगों ने करवाया है। जो ये गाड़ी है ये थोड़ी सी ऑड वन आउट है, मतलब दिस वन इज विंगर। एंड मैंने आज तक वैसे तो काफ़ी हमने ट्रैवलर वगैरह देखे हैं जो जिसमें लोग ट्रैवल करते हैं, बट दिस वन इज़ वेरी लग्जूरियस। व्हाट इज़ योर आइडिया बिहाइंड इट? सी आइडिया इज़ की दैट वी फाइंड दैट नाउ लॉट ऑफ कंपनीज फॉर देयर एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन एंड टूर्स एंड ट्रैवल, पीपल लुक फॉर सुपर लग्जरी सेगमेंट, सो दे वॉन्ट टू हैव अ वेरी कम्फर्टेबल नाइस रिक्लाइनिंग सीट, then LED screen, most important thing is comfort and convenience. Yes. So it gives super comfort and super convenience with the lowest noise in the cabin inside. Okay. So it, you feel like you are sitting in a sedan. First class. Kind of. Yeah, first class sedan. Yeah. Because I see कि आपने यहाँ पे captain seats दे रखी है, सबको individual displays हैं, entertainment से लेकर comfort हर चीज का ध्यान रखा गया है। Because see traveling time in the city also is increasing. Minimum 1 hour, 2 hours also it takes. So employees look for a very comfortable commute. दूसरी जो गाड़ी है जो सबसे ज़्यादा ध्यान की चाहिए, and I'm pretty sure कि जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद भी आएगी, apart from Winger, is मतलब इसका macho presence and everything is good. But this one, I think, is going to make a lot of people go crazy. क्योंकि ये सेम गाड़ी ग्रामीण सेवा में इतना चलती है दिल्ली में, एंड इवन पुणे वगैरह में भी मैंने देखा है इसको। अब आप इसको इलेक्ट्रिक में ला रहे हैं, एंड AC भी आपने ऑलरेडी लॉन्च करके पूरा कॉम्पिटिशन नेल कर दिया है और उसको कॉम्पिटेटिव प्राइस पे दिया है, मतलब लेस देन 10 लाख रुपीज़। इसके लिए सर क्या आप करने वाले? देखिए, लास्ट माइल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इलेक्ट्रीफाई करने का ये कोशिश है जी। हमने कार्गो मूवमेंट स्टार्ट किया जी, अब नाउ पब्लिक मूवमेंट के लिए हमें गाड़ी लानी पड़ेगी, सो दैट द सिटीज विच आर हैविंग द ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ द वार्मिंग एंड द पॉल्यूशन, ऑल दैट विल गेट कंट्रोल्ड। ये गाड़ी कम्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हेन यू से ग्रामीण सेवा जी, तो ये सिटी टू ग्रामीण जाती है और वापस आ जाती है जी। तो हमने उस चीज़ को ध्यान में रखा है कि ये रेंज जो गाड़ी में मिलेगी जी, वो 100 किलोमीटर के प्लस में रहेगी जी, जिससे कि कभी भी किसी ऑपरेटर को रेंज की वजह से प्रॉब्लम ना हो जी। तो हमने ऑब्जर्व किया कि उनकी ड्यूटी साइकिल क्या होती है ऑपरेटर्स की, उसके ज़्यादा ये रेंज उनको देगी। इलेक्ट्रिक में सबसे बड़ा कंसर्न कस्टमर को रेंज का होता है जी, एंड दैट इज टेकन केयर ऑफ। प्लस इसका आप देखेंगे इंटीरियर्स काफ़ी इम्प्रूव्ड है एक्चुअली, बहुत बहुत ज़्यादा स्पेस है। आज की डेट में जो आपको पता है जो इलेक्ट्रिक के ऑप्शंस हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में लास्ट माइल में, तो दिस व्हीकल पर्टिकुलरली विल बी फार फार बेटर, गिविंग दी कस्टमर अ वेरी कन्वीनियंट कम्फर्टेबल ड्राइव। और फिर ये स्कूल बसेस के लिए भी, मतलब स्कूल व्हीकल में भी यूज़ हो सकता है, सेम इज द केस विद विंगर, बट मुझे लगता है ये ज़्यादा यूज़ होगा। सेकेंडली, जो हम वो थ्री व्हीलर्स देखते हैं जो दिल्ली में आजकल बहुत पॉपुलर हो रखे हैं एंड टू एंड वाला, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि वो जब हाईवे पे निकल जाते हैं ना, वो बड़ा इरिटेट करते हैं, पूरा हाईवे ट्रैफिक को डिस्टर्ब करते हैं। बट दिस थिंग आई एम प्रीटी श्योर कि आपने इसकी जो स्पीड रखी होगी एटलीस्ट 60 तो रखी होगी। यस यस यस, दैट वे मोर देन दैट इट इज वेदर प्रूफ। यू सी व्हेन अप व्हेन यू सिट इनसाइड यू फील लाइक यू आर सिटिंग इन अ प्रॉपर कार, प्रॉपर लाइक दैट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन इस गाड़ी से रिलेटेड जो ओनर्स होंगे या फिर जो इस चीज पे स्विच करना चाहते होंगे, चाहे स्कूल्स हों चाहे नॉर्मल कस्टमर्स हों, ये आएगा कि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का आपका क्या मतलब आइडिया है कि किस तरह हम इसके इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टाटा मोटर्स क्या कर रही है, टाटा मोटर्स करेक्ट क्या स्टेप्स ले रही है? करेक्ट, तो ये एक बड़ा कंसर्न कस्टमर के माइंड में होता है कि इसको चार्जिंग कैसे करेंगे जी। बिल्कुल करेक्ट, तो इसमें हमने दो टाइप के चार्जिंग पोर्ट दिए हैं जी। एक होता है स्लो चार्जिंग विच इज़ कॉल्ड होम चार्जिंग सोल्यूशन, सो एनीबडी विद अ थ्री फेस सॉकेट 16 एम्पियर इट कैन चार्ज। सो जनरली ये ऑपरेशंस डे टाइम पर होते हैं, 6 AM to 10 PM, देन इट विल हैव सफिशिएंट टाइम फॉर अ कस्टमर टू चार्ज इट एट हिज होम ओनली। सेकेंड, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द फास्ट चार्जर। इन द फास्ट चार्जिंग ऑप्शन वंस द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर चार्जर्स विच इज गेटिंग डेवलप, यू सी दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल, इफ सपोज समबडी वॉन्ट्स टू ड्राइव एक्स्ट्रा, दे कैन चार्ज फास्ट इन 1.5 आवर्स टाइम, इट कैन गिव 10% to 90% चार्ज। जी 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 जी, तो सर थैंक यू फॉर हैविंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर।